हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद फैक्ट्स और हम आपको प्राचीन मिस्र के अनसुने रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है, बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्राचीन मिस्र में हस्त मैथुन यानी मैस्टरबेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। मिस्र के लोग ये मानते थे कि उनके देवता भी ऐसा किया करते थे। कुछ लोग तो ये तक मानते थे कि नील नदी को उनके देवताओं ने हस्त मैथुन करके बनाया था। प्राचीन मिस्र के देवता एतोम ने नील नदी की तेज धारा को हस्त मैथुन करके बनाया था, इसीलिए प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में हस्त मैथुन करते थे और अपने देवताओं की परंपरा को निभाते थे। वह लोग ये मानते थे कि ऐसा करके उनके देवता हमेशा खुश रहेंगे और नदी की तेज धारा बरकरार रहेगी। दोस्तों, हम लोगों को ऐसी बातें सोचते ही घिन आती है, लेकिन प्राचीन मिस्र के इतिहासकार इस बात का दावा करते हैं कि नील नदी को इसी तरह बनाया गया था प्राचीन मिस्र के देवता एतोम द्वारा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन मिस्र के धर्म और ग्रंथ सरेआम मैस्टरबेशन, होमोसेक्सुअलिटी, एडल्ट्री आदि का जिक्र किया करते हैं। प्राचीन मिस्र में सबसे खूबसूरत और कामुक दिखने वाली स्त्री को बच्चे पैदा करने के लिए बेस्ट माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग खूबसूरत स्त्री के साथ शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में अगर शादीशुदा स्त्री को किसी के साथ संभोग करते हुए देख लिया जाता था तो उस स्त्री को सरेआम मृत्युदंड दिया जाता था। इस सब के अलावा प्राचीन मिस्र के कई ऐसे राज हैं जिनको सुनकर आम इंसान हैरत में पड़ जाता है, जैसे जिंदा इंसान की ममी बनाना, नाक से दिमाग निकालना वगैरह। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हिंद फैक्ट्स, और अगर आप चाहते हैं कि हम प्राचीन दुनिया के ऐसे ही राज आपको बताते रहें तो हिंद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। देखते रहिए हिंद फैक्ट्स, सोच से परे।